हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो लाइफ इन द डेजर्ट सहारा एंड जो लद्दाख आपका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 13 है, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। तो जो डिजर्ट है यहाँ पर जो एक जो हम देखेंगे सहारा, जो हॉटेस्ट जो डिजर्ट है हमारा जो हॉट डिजर्ट है, साथ ही साथ जो लद्दाख जो इंडिया का जो कोल्ड डिजर्ट है, तो दोनों के बारे में यहाँ पर जो वो कहाँ पर लोकेटेड है, वहां का जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो कैसा होता है, वहां पर कौन कौन से जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं, प्लांट लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, वहां पर देखेंगे एनिमल लाइफ मीन्स कौन कौन से जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं, साथ ही साथ वहां पर जो रहने वाले जो पीपल्स हैं उसको जो ऑक्यूपेशन है उनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है बेटा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा हम जो यहाँ पर देखें, सो हम डिजर्ट की बात करते हैं। तो डिजर्ट आर रीजन्स विच एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली ड्यूरनल एंड सीजनल टेम्परेचर्स, रिसीव लो रेनफॉल एंड हैव स्किनटी वेजिटेशन। मीन्स जैसा कि आपको डिजर्ट के बारे में ऑलरेडी पता होगा, वो खाने वाला डिजर्ट नहीं ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजर्ट का, जहां पर जो एक्सट्रीम जो कंडीशंस होता है वहां पर जो टेम्परेचर है या तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है या फिर बहुत ही ज्यादा लो होता है, एक हाई टेम्परेचर और आपका लो टेम्परेचर। सो वहां पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत कम होता है, वेरी रिसीव वेरी लो रेनफॉल, और जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा, बाकी एरिया हॉट डिजर्ट है तो वहां पर आपका रेत और डस्ट ही दिखाई देगा, साथ ही साथ अगर कोल्ड डिजर्ट है तो वहां पर आपको आइस ही देखने को मिलता है। सो तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजर्ट, वन थिंग कॉमन अबाउट देम इज देयर एक्सट्रीम एरिडिटी और ड्राइनेस। मीन्स यहां पर जो देखा जाए तो जो डिजर्ट है वो जनरली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे अर्थ का जो लगभग जो 30% जो सरफेस एरिया है अर्थ का वो किससे ऑक्युपाई है, जो डिजर्ट है, चाहे वो हॉट डिजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डिजर्ट हो, दोनों के द्वारा लगभग जो हमारे अर्थ का जो लैंड एरिया सरफेस एरिया है उसका जो 30% है उसको उसने ऑक्युपाई किया हुआ है। सो अब यहां पर हम जो देखिए बेटा कि जो आपका जो जो कोई भी किसी भी टाइप का जो डिजर्ट हो वहां पर जो कॉमन जो चीज नजर आती है वो वहां पर कि जो एक्सट्रीम जो एरिडिटी या फिर जो ड्राइनेस होता है मीन सूखा होता है वहां पर, है ना, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो। ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर दे एग्जिबिटेड डिजर्ट आर क्लासिफाइड इनटू हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। मीन्स यहां पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस जो रेंज होता है उसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो हमारा जो डिजर्ट है उसको हम दो तरीके से क्या करते हैं, कैटेगराइज किया, एक जो है हॉट डिजर्ट देन सेकंड आपका कोल्ड डिजर्ट। सो सम ऑफ द हॉटेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द सहारा, द कालाहारी, द सऊदी अरेबिया डिजर्ट, द थार डिजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। मीन्स अब यहां पर जो हॉट डिजर्ट की बात किया जाए, जो गर्म जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे जो डिजर्ट जैसे यहां पर आपको सहारा जो डिजर्ट है या आपका जो सहारा डिजर्ट जिसका डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कालाहारी जो डिजर्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आपके जो अरेबियन जो सऊदी अरेबिया जो ये अरेबियन जो डिजर्ट है वो आपको देखने को यहां पर मिल रहा है, थार जो डिजर्ट आपको इंडिया में ये जो थार जो डिजर्ट वो लोकेटेड है यहां पर, जैसे हमने कालाहारी आपने देखा यहां पर, साथ ही साथ जो विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया जो डिजर्ट है वो आपको, साथ ही साथ यहां पर कुछ और जो डिजर्ट है ये आपको, जैसे यहां पर कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो साइबेरियन जो डिजर्ट ये आपका कोल्ड डिजर्ट हुआ, साथ ही साथ अंटार्कटिका, ये जो नीचे आपको जो अंटार्कटिका है वहां पर भी जो आइस से कवर्ड होते हैं, ये जो आपका अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसको हम कोल्ड डिजर्ट के रूप में देते हैं। तो ये सभी जो साथ ही साथ हमारे यहाँ जो इंडिया का जो लद्दाख वाला जो रीजन है, ये जो हिमालयन जो रीजन है यहां पर, तो ये सभी जो एरियाज हैं वो कोल्ड डिजर्ट में आते हैं, जहां पर जो टेम्परेचर है एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, हायर जो अल्टीट्यूड्स वाले जो जितने भी एरियाज है मीन जहां पर ज्यादा हाइट है वहां पर जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली अल्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, हाइट के ऊपर अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होते जाते टेम्परेचर जो है रेंज जो है हमारा जो ऊंचाई बढ़ते जाता है तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने लगता है, हाइट हाई होते जा रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ये जो बेटा आपका जो नोट जो पॉइंट्स है आप इससे रिलेटेड जो आपको नोट्स नोट करने हैं तो ये पॉइंट्स यहां से आप
नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम सहारा डेजर्ट के बारे में बात करें। जो फर्स्ट जो हमारा हॉटेज जो डेजर्ट है आपका सहारा, तो वो कहां पर लोकेटेड है, उसका जो लोकेशंस क्या है, कहां पर वो लोकेटेड है, हम जो हमारा जो ग्लोब या फिर मैप में देखते हैं तो उसका लोकेशंस कहां है। तो सहारा डेजर्ट जैसा हमें पता है कि जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर है, और वो लगभग जो 11 जो कंट्रीज हैं उसको वो क्या करता है, कवर किया हुआ है। मीन्स 11 कंट्रीज जो है सहारा डेजर्ट के एरिया में आते हैं। यहां पर उसका इमेज भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इसमें हम बेहतर तरीके से मैप के थ्रू ग्लोब के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो यहां पर हम बात करें, सो द लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड द सहारा स्ट्रेट अक्रॉस मोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका कवरिंग एन एरिया ऑफ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स ये जो हमारा जो सहारा जो डेजर्ट है वो नॉर्थ अफ्रीका है, वहां को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो हम उसके जो कवरिंग एरियाज की बात करें तो वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज मोर देन 2.5 टाइम द एरिया ऑफ इंडिया। मीन्स इतना जो एरिया की हम बात करें तो वो जो है इंडिया का जो है क्या है, मोर देन 2.5 टाइम जो है इंडिया से बड़ा एरिया है। देन ईस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट। मीन्स इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां तक फैला हुआ है। सो यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो आपका नीचे शायद ये अटलांटिक ओशन आपको नजर आ रहा है, यहां पर आप देखिए आपका अटलांटिक ओशन, इधर आपका ये अटलांटिक ओशन है, साथ ही साथ आपको इधर वेस्ट में आपका रेड सी, ये वाला जो एरिया आपका जो रेड सी वाला एरिया हुआ। सो आप देखोगे तो ये जो है इसके बीच में ये जो सहारा डेजर्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। डिफरेंट जो कंट्रीज की बात करें तो अल्जीरिया, चैड है आपका, लीबिया, माली, इजिप्ट, नाइजर, म्यूरिटेनिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनेशिया और वेस्टर्न जो सहारन जो कंट्रीज है यहां पर ये सहारा लोकेटेड है। द सहारा डेजर्ट इज समटाइम्स कॉल्ड एलकेला विच मीन्स द इम्पटिनेस। मीन्स एलकेला के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जो मीनिंग होता है आपका इम्पटिनेस। मीन्स वहां पर आपको सिर्फ रेत ही डेजर्ट है, रॉक्स है वही नजर आएगा, वहां पर कोई प्लांट्स लाइफ आपको बहुत ही रेयर है देखने को मिलेगा, वहां पर वाटर सोर्सेस है वो रेयर है देखने को मिलेगा। सो द सरफेस ऑफ द सहारा इज नॉट अ यूनिफॉर्म प्लेन। मीन्स जो आप सहारा डेजर्ट को देखोगे तो वो सभी जगह इक्वली प्लेन नहीं है, वो कहीं पर आपको हम जो डेजर्ट की बात करें तो वहां पर सिर्फ रेत ही रेत होगा, तो वो क्या होगा, प्लेन एरियाज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। वहां पर क्या है कि वो जो है इट्स इंक्लूड ग्रेवल प्लेन्स, हाईलैंड्स, प्लेटोस विद अ बेयर रॉकी सरफेस एंड वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड विच कवर अबाउट 1/4 ऑफ द डेजर्ट। मीन्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आप जाएंगे सहारा डेजर्ट में तो वहां पर आपको रॉकी जो सरफेस है, पथरीले जो एरिया है वो मिलेगा, वहां पर आपको सैंड देखने को मिलेगा जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, वहां पर हाई जो प्लेटो एरियाज है, छोटे छोटे हिल्स भी आपको नजर आएंगे। सो इस तरीके जो सहारा है वो कंप्लीटली जो आपके जो सैंड से कवर हुआ एरिया नहीं है, प्लेन एरिया वो नहीं है। सो बेटा हम ये जो इमेज कोसी की बात करें, सो हम जो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि जो सहारा का जो एरिया है वो यूनिफॉर्मली प्लेन नहीं है, सभी जगह इक्वली समतल नहीं है। यहां पर जो इमिकोसी जो है वो टिबेसिस जो रेंज है वहां पर जो चैंड जो एरिया में है वहां का जो हाईएस्ट जो पॉइंट्स है जिसका हाइट है मीटर में देखा जाए तो 3,415 मीटर आपको सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। मीन्स वो प्लेन एरियाज की हम बात करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखें यहां पर एक जगह हाईएस्ट पॉइंट भी मिलता है और एक जगह सहारा में ही जो लोएस्ट जो पॉइंट है, मीन जो बिलो जो सी लेवल आप लोग ऑलरेडी पता होगा कि जो किसी भी जो प्लेस को जो मेजर करना है तो एक जो लेवल जो माना जाता है उसको सी का जो लेवल है, जहां पर सी वाटर बॉडीज है उसको एक लेवल माना जाता है। जैसे यहां पर ये पूरा एरिया जो है यहां से ये लैंड एरिया हो गया, ये जो है आपका सी एरिया हो गया, तो इसको जो है किसी भी हाइट को यहाँ का जो हाइट मेजर करना है तो ये जो एरिया है उसको यहां से नापा जाएगा, मापा जाएगा और ये जो है आधार होगा। तो ये जो आपका जो क्वार्टरनर डिप्रेशन है ये जो है आपका क्या है, उसका जो 133 मीटर नीचे है सी लेवल से। सो ये जो हमने देखा आपका जो इमिकोसी
साथ ही साथ ये जो कोटारदा आपके जो डिप्रेशन है उससे रिलेटेड पॉइंट्स हुआ। देन नेक्स्ट हम देखते हैं ओएसिस, ओएसिस के बात करें सो ये क्या चीज है, तो ओएसिस आर पेरेनियल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइक स्प्रिंग एंड पॉन्ड्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ डेजर्ट, वेजिटेशन एंड सेटलमेंट आर फाउंड अराउंड डैम। मीन्स ये जो है क्या है ओएसिस की हम बात करते हैं ओएसिस की, सो वो एक ऐसा एरिया है जहां पर जो हम पॉन्ड्स की बात करें या फिर झील की बात करते हैं तो वहां पर वाटर बॉडीज होते हैं, वहां पर पानी मिलता है, एक झरना तरीके से है जहां पर वेजिटेशन और उसी के आसपास जो ह्यूमन जो लाइफ है, डिफरेंट जो एनिमल लाइफ्स हैं वो वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो आपको जो ये जो आपका जो सैंड आपको दिखाई देगा या फिर जो है रॉकी जो सरफेस एरियाज दिखाई देंगे, बट ये जो आपका क्या है जो ओएसिस वाला एरिया, जैसे यहां पर अगर वाटर पाया गया तो इसके आसपास जो है प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ पाए जाते हैं, सो इसी को कहा जाता है ओएसिस। अब यहां पर हम जो बात करें बेटा क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है सहारा जो डिजर्ट है उसका कैसा होता है, सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है हॉटेस्ट जो क्लाइमेट होता है वहां पर टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, सो सहारा इज वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग एनवायरमेंट ऑन अर्थ विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। मीन्स यहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, एबव जो 50 डिग्री सेल्सियस जो समर में वो चला जाता है और विंटर में या फिर जो नाइट में वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है। मीन्स जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो भी हो जाता है, वेरी जो लो एनुअल फॉल मीन्स एनुअल जो रेनफॉल है वो बिलो 20 सेंटीमीटर्स होता है, मीन्स बहुत ही कम जो रेनफॉल से नहीं के बराबर यहां पर रेनफॉल्स होता है, बारिश होता है। सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे इज ऑल्सो वेरी हाई, मीन्स जो आपका जो टेम्परेचर जो है डे के समय भी रेंज है वो टेम्परेचर रेंज बहुत ही हाई होता है, बट वाइल द डे आर वेरी हॉट द नाइट आर सेवरली कोल्ड। मीन्स जो डे टाइम जो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है ना, डे टाइम हम देखेंगे जो टेम्परेचर है वो हाई होकर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बट नाइट में वही देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट में जीरो से भी नीचे चला जाता है। मीन्स डे में आप देखोगे तो आपको जो है गर्मी के मारे आपको कपड़ा निकालना पड़ेगा, और वहां पर नाइट में देखोगे तो आपको कंबल जो है वो लगाना पड़ेगा, आपको अपने आपको स्वेटर डो डालना पड़ेगा ताकि आपको गर्मी का एहसास हो। सो ये जो है इस तरीके से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बेटा हमें सहारा में देखने को मिलता है या फिर जितने भी जो हॉट डिजर्ट है वहां पर इसी टाइप के जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है हमें देखने को मिलता है। देन द रेनी सीजन इज वेरी शॉर्ट एंड स्प्रेड ओवर जस्ट अ फ्यू वीक। मीन्स यहां पर हम जो बात करें तो जो रेनी जो सीजन है मीन्स बारिश का जो समय है, बारिश का जो महीना है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, एक आध वीक, वन अ वीक, एक फ्यू जो वीक्स है, एक वीक, दो वीक, थ्री, वन टू थ्री वीक्स, मतलब कुछ समय के लिए बारिश होता है और फिर बारिश के नामो निशान नहीं होता है। द डिजर्ट इज हाईली एरिड एज द मॉइस्चर इवेपोरेट्स बिफोर इट्स फॉल टू द ग्राउंड। मीन्स यहां पर क्या है कि जो इतना ज्यादा एरिड होता है, इतना ज्यादा सूखा होता है कि जो मॉइस्चर है वो जमीन पर पहुंच ही नहीं पाता है और ये ऑपरेट हो जाता है, मीन्स वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, मतलब इतना जो हॉटेस्ट होता है कि जो बारिश है या फिर जो मॉइस्चर जो कंटेंट जो आ रहे हैं वो ऊपर से ही छुमंतर हो जाता है। सो द स्काई इज जनरली क्लाउडलेस एंड क्लियर। जो आपका क्या होता है कि जो हमारा जो स्काई है वो क्लाउडलेस होता है, मीन्स वहां पर बादल हमें देखने को रेयर ही मिलेगा और बिल्कुल ही क्लियर जो है नजर आता है। देयर आर पॉकेट्स इन द सहारा विच हैव नॉट विटनेस्ड रेनफॉल फॉर इयर्स। मीन्स कुछ जो ऐसे जो एरियाज है जो आपके जो रेन शेड एरिया जिसे हम कहें, सो वहां पर थ्रू कई जो सालों तक बारिश भी, बारिश की एक बूंद भी हमें देखने को नहीं मिलता। अगर वहां पर आप जाएंगे तो कई सालों तक देखेंगे तो आपको बारिश ही नसीब नहीं होगा। सो द लिबियन सहारा डिजर्ट इज बिलीव टू बी द मोस्ट एरिड पार्ट ऑफ द सहारा। सहारा का मतलब लिबियन, जो सहारा जो डिजर्ट वाला एरिया है, लिबियन जो पार्ट्स है वहां पर सबसे ज्यादा एरिड में सबसे ज्यादा सूखा हमें देखने को मिलता है। सो हाउ एवर सम ऑफ द सेंट्रल सहारा
मीन जो सहारा का जो बीच का जो पार्ट्स है, सेंट्रल जो पार्ट्स है, वहां पर क्या होता है, एक माउंटेन जो रेंज है, माउंटेन जो पीक जो है, सहारन जो पीक है, मीन्स हाइट ऊंचाई है, सो वहां पर स्नो कैप ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, मीन्स जो कुछ जो समय है पूरे साल में, कुछ जो पार्ट है समय जहां पर विंटर सीजन होता है, वहां पर आपको आइस से कवर्ड भी मिलेगा। मीन्स जो सहारा हम जो सोच रहे हैं ना हॉट डिजर्ट की बात करें, तो पूरा का पूरा एरिया गर्म होगा या फिर पूरा का पूरा एरिया सैंड से कवर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। सो वहां पर जो हाई जो माउंटेन पीक है, मीन्स जो उसका हाइट बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो हमें पता है कि हायर जो अल्टीट्यूड है वहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है, तो कुछ जो पार्ट है वो आइस से भी कवर्ड होते हैं, मीन्स बर्फ भी वहां पर जमे रहते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पर। सो ये क्या करते हैं कि एंड दे प्रोवाइड्स मच नीडेड वाटर टू द ऑएसिस, में जो हम जो वाटर के जो सोर्सेज जो देखे थे इस एरिया पर, कि जहां पर वाटर जो है स्टोर है, चाहे कोई पैंड पॉन्ड है या फिर कोई जो है आपका क्या है लेक है, छोटा सा झील है, स्प्रिंग्स है, सो वहां पर जो वाटर का जो सोर्सेज है, पानी कहाँ से आता है, तो यही जो सहारन जो पीक्स है जो स्नो से कैप्ड होते हैं, स्नो से कवर होते हैं, वहीं का जो पानी है यहाँ पर वाटर है, आइस है, मेल्ट होकर आता है, और वहीं पर ही जो लाइफ फॉर्म्स है, प्लांट्स लाइफ है, वो हमें देखने को मिलता है। सो ये तो हो गया वहां के जो क्लाइमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखें बेटा कि जो प्लांट लाइफ, वहां पर जो पाए जाने वाले जो डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, सो ये आपको इमेज दिखाई देगा, ये जो है प्लांट लाइफ है, यहाँ पर जनरली इस टाइप के जो प्लांट्स हैं, कटीली जो झाड़ियां होती, श्रब्स होते हैं, जिसमें कैक्टस, ओलेंडर्स है, आर्टेमिसिया है, सो इस टाइप के जो दूर दूर, जैसे यहाँ पर आपको कुछ खाली एरिया दिखाई दे रहा है, फिर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये प्लेटू एरियाज हाईलैंड आपको दिखाई दे रहा है, सो इस तरीके से आपको दूर दूर में कुछ जो छोटे मोटे जो प्लांट्स है, छोटे छोटे जो झाड़ियां हैं, श्रब्स है, वही आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर हाई जो बड़े बड़े जो प्लांट्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो द वेजिटेशंस फाउंड इन द सहारा आर एडॉप्टेड टू अनरिलेबल प्रिसिपिटेशन एंड एक्सटेंसिव हीट, मीन्स यहाँ पर जो आपके जो वेजिटेशन जो पाए जाते हैं वो अपने आप को इस तरीके से एडॉप्ट कर लेते हैं कि वहां का जो एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां पर जो एक्सटेंसिव जो हीट होता है, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर होता है, वाटर जो है अवेलेबल नहीं होता है, उसको भी सह सकने के लिए वो कैपेबल होते हैं। सो द प्लांट्स हैव लॉन्ग रेडियल एंड टैपरिंग roots that go deep into the soil in search of water and a tiny waxy and a thorny leaves to reduce loss of water through transpirations. Means यहाँ पर क्या होता है कि जो अब ये जो plants होते हैं ना, जितने भी plants हैं, तो ये जो plants है तो उसके जो ये जो ऊपरी जो parts है, हम जो बाकी जगह plants हमें ऐसे नजर आता है, but यहाँ पर जो plants है वो इस तरीके से नहीं होते हैं, इसमें बहुत ही कम लीव्स होते हैं, है ना, पत्ते तो उसमें बहुत कम होते हैं, वो भी जो है वो क्या होते हैं आपके जो वैक्सी होते हैं, मीन्स उसमें जो मांसल ज्यादा होता है, गुदा ज्यादा होता है वो, और साथ ही साथ इसके जो रूट्स हैं वो बहुत डीप जाए रहते हैं, रेडियल होते हैं, मीन्स पहले वो ताकि जो अंदर के जो पार्ट्स है वहां से भी वो मॉइस्चर है, जमीन के डीप जो पार्ट्स है वहां से जो मॉइस्चर है, वाटर है, उसको वो ले सके, और पत्ते ने लीव्स नहीं होने का एक रीजन है कि वो जो इनसे जो ट्रांसपीरेशन है वो नहीं हो पाता है, मीन्स यहां से जो है पत्तों से वाटर है वो ट्रांसपीरेट होकर वहां पर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इस कारण से इतने जो हॉटेज जो टेम्परेचर में भी यहाँ के जो प्लांट्स है वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। सो ओनली प्लांट दैट कैन विदस्टैंड द scorching suns grow in this region. The Sahara has scattered covering of various type of grasses. Means यहाँ पर हम जो देखें बेटा तो ऐसे जो प्लांट जो है यहाँ पर रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, जो क्या होता है कि वो जो है डिफरेंट जो सनलाइट है, सन की जो रेज है, जो हाई जो टेम्परेचर है उसको वो सह पाए, साथ ही साथ यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो कुछ जो ग्रास है, श्रब्स है, ट्रीज में आपको जो ओलिव है, अकेसिया है, ओलेंडर है, आर्टेमिसिया है, डेट पॉम है, रैम्स है, आपके थेम्स है, या फिर आपके कैक्टस है, कैक्टस भी आपने अपने आसपास देखा होगा, कई जो है आपके आजकल जो है इनको जो घरों में जो है डेकोरेटिव जो प्लांट्स हैं उसके रूप में कैक्टस को भी रखा जाता है, सो आपने अपने आसपास भी देखा होगा, तो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं जो लो रेनफॉल्स में बहुत ही कम वाटर में
हाई जो टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हम एनिमल लाइफ, यहाँ पर एनिमल लाइफ देखें तो डिफरेंट जो एनिमल जो पाए जाते हैं यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है स्पॉटेड हाइनाज है, या फिर आपके जो मोनिटर जो लिजर्ट्स है, जो स्नेक्स है आपको देखने को मिलेगा, या फिर इस टाइप के जो लिजर्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा, सैंड लार्क है, ये जो आपका जो ओएसिस वाले जो एरियाज है वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, फॉक्सेस है, और साथ ही साथ जो मोर जो इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स है जिसे हम कैमल्स के रूप में जानते हैं, या फिर जो डिजर्ट का जो शिप्स के रूप में इसको हम जानते हैं, वो इस एरिया पर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल, जैसे हमने अभी देखा कि जो द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स हियर, इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स है इस एरिया का, और इसे हम जो है शिप ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान का जो जहाज है उस रूप से जानते हैं। केमल जो कार्नावास इवन टूडे अभी भी हम जो देखें तो जो इस तरीके से जो आपको जो केमल पर सवार हुए जो लोग हैं आते जाते देखेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट का जो एक जो मेन जो मीन्स है माध्यम है वो अभी भी हमारे लिए केमल ही है। सो केमल से जो ट्रांसपोर्ट फूड साल्ट अदर जो ग्रूट्स है अक्रॉस द सी ऑफ सैंड, मीन्स ये जो सैंड से भरी हुई जो जगह है वहां पर हम जो देखते हैं तो केमल का भी अभी तक जो यूज है वो ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों के आने जाने के लिए किया जाता है। ए कारवाना इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स माइनली कैमल ट्रेवलिंग टूगेदर फॉर डे इन ऑर्डर टू ट्रेड। कारवाना किसे हम कहते हैं, मीन्स कैमल्स या और जो पीपलों का लोगों का जो समूह है ग्रुप होता है जो ट्रेड के लिए व्यापार के लिए एक साथ जो है कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो ये कहलाता है आपका कारवाना। सो अब यहाँ पर एनिमल्स वहां पर पाए जाने वाले, जैसे हमने जस्ट अभी जो देखा आपको इमेज शुरू में है आपको देखने को मिला, सो एनिमल फाउंड इन सहारा आर द डिजर्ट हेडहॉग, स्पॉटेड हाइना, कॉमन जैकल्स, सैंड फॉक्स, लिबियन स्प्रिट्स वेसल्स, आपके जो द स्लेंडर्स मोंगूस, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे जो इमेज है मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए और साथ ही साथ आपको बुक्स में अपर पार्ट्स में यहाँ पर जस्ट आपको दिखाई भी दे रहा है। इस तरीके जो एनिमल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप जो देखोगे तो कुछ और जो बर्ड्स हैं जिसमें आपके जो पाए जाने ऑस्ट्रिच है, गुएना है, आपके फॉल है, नूबियन बस्टर्ड्स है, डिजर्ट ईगल्स है, बायर वोल्स है, आपके सैंड लार्क एंड रेवंस है। सो साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के आपके जो फ्रॉक्स है, टोड्स है, आपके जो स्कॉर्पियंस है, लिजर्ड्स है और स्नेक्स है, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मीन्स डिफरेंट वैरायटीज के जो एनिमल्स है वो यहाँ पर रहते हैं, बट ऐसे जो एनिमल्स पाए जाते हैं जो ये जो हॉट जो डिजर्ट है जो टेम्परेचर जहां पर हाई है वहां पर भी वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ऐसे ही जो आपके जो एनिमल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें बेटा आपका जो पीपल्स यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं हम उसकी बात करते हैं। सो हम पीपल्स की बात करें, सो रिगार्डलेस ऑफ इट्स इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट द सहारा डिजर्ट इज ऑक्यूपाइड बाय मेनी पीपल्स हु हैव सक्सेसफुली लर्न टू कोप विद द हार्श फिजिकल एनवायरमेंट। मीन्स यहाँ पर ऐसे जो लोग रहते हैं जो क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है उसको सह सके, उनको जो है क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उनको अपने अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग टू अपने आप को मॉडिफाइड कर सके, ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो पीपल्स है उससे रिलेटेड आपके नोट्स पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर सकते। ये जो कारवाना हमने देखा था तो ये जो आप देख रहे हो कि एक साथ जो है लोग जो है कैमल्स है जो रेगिस्तान का जो डिजर्ट है आपका जो क्या है डिजर्ट का जो शिप्स है वहां पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह अपने सामानों को ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो कारवाना से आपको बहुत ज्यादा जो डिजर्ट एरिया वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पीपल्स का, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सहारा डिजर्ट आर नोमेड्स। मीन्स जो नोमेड्स मीन्स वो एक जगह से जो अगर घूमने वाले हैं पर्टिकुलर किसी प्लेस पर नहीं रहते हैं, सो दे मूव फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑब्टेन सीजनली। मीन्स जो डिफरेंट जो सीजन है, विंटर सीजन है तो अलग जगह रहेंगे, आपके जो समर सीजन आ गया तो वो अलग जगह रहेंगे, तो इस तरीके से वो जो सीजन वाइज जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मोमेंट्स वो करते रहते हैं। अब यहाँ पर द तुरेक्स है,
या फिर आपके जो बेनोइज है, आर द मोस्ट वेल नाउ एमंग द नोमेडिक ट्राइब्स। मीन्स यहां पर जो पाए जाने वाले, जो यहां पर जैसे ये आपका जो अपर पार्ट में मेन दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको वुमेन दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप के जो यहां पर जो डिफरेंट जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, यहां पर पाए जाने जो लोग हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आपको जो नोमेड्स ऑफ सहारा कौन कौन, तो ये आपका तुरेक्स हुए, आपको यहां पर फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है। देन ये उनके जो लेडीज हैं उनका इमेज दिखाई दे रहा है, कुछ पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो कुछ जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है। द बेनोइज है उसका जो इमेज है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आपके जो अदर जो और जो ट्राइबल जो ग्रुप है यहाँ पर सहरवी आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो सहरवी जो ट्राइब्स है जो आपके जो सहारा एरियाज पर पाए जाते हैं, आपके कबाबिस की ये जो इमेज है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पॉइंट्स नजर आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा ये जो है आपके जो सहारा डिजर्ट पर पाए जाने वाले डिफरेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहां पर पाए जाने वाले जो नोमेडिक जो कम्युनिटीज हैं उनके जो इमेज आपने देखा। सो अब यहाँ पर दे कवर, वो क्या करते हैं, दे कवर देमसेल्फ कंप्लीटली विद थिक रोप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हैवी डस्ट स्टॉर्म्स एंड द सेवरली हीट विंड्स। मींस वो अपने आप को क्या करते हैं, पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ताकि जब डस्ट धूल भरी आंधियां चले, सैंड से भरी हुई आंधियां, हॉट जो विंड, जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तो भाई उसके जो स्किन है उसके बॉडी को नुकसान ना हो, उनके डिफरेंट जो पार्ट्स है शरीर के वहां से जो सैंड है उसके अंदर ना चले जाए, तो इसके लिए वो अपने आप को क्या करते हैं, पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। या फिर भी आप कवर नहीं करेंगे तो यहां से यहां से यहां से आपके यहां जिधर से जो उनको जो क्या मिला, स्पेस मिला हॉट विंड्स को, या फिर जो सैंडी जो विंड्स है, स्टॉर्म्स है, वो उनके शरीर के अंदर चले जाएंगे। अब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, टाइम टाइम फीस हो जाएगा जिनके अंदर गया। सो दे वो क्या करते हैं, रेयर शिप्स शिप्स को पालते हैं, गॉड्स कैमल फॉर हाइट फॉर मेट एंड मिल्क, दूध के लिए, उनके बालों के लिए, उनके चमड़ियों के लिए, उनके मांस के लिए, वो जो है इन जानवर शिप्स है, गॉट है या फिर कैमल को वो क्या करते हैं, पालते हैं। देयर डाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ मिल्क ब्रेड चीज एंड मीट, उनका जो डाइट है वो जनरली क्या होता है, वो जो है मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो मीट है मांस है वो ज्यादातर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास वही चीज होता है। ज्यादातर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, आपको ओएसिस वाले जहां पर वाटर जो सोर्सेज है वहीं पर मिलेगा, बाकी अदर जो नोमेडिक्स हैं वो इन्हीं जो डिफरेंट जो एनिमल्स है उन्हीं पर जो फूड हैबिट्स के लिए डिपेंड रहते हैं। ओएसिस इन द सहारा एंड द इरिगेशन अफोर्डेड बाय द वाटर ऑफ द रिवर नाइल ट्रांसफॉर्म द डेजर्ट इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। मीन्स अब यहां पर क्या हुआ कि जो कुछ जो एरिया जैसे हम ओएसिस में देखे थे, तो उसके जो पास वाला एरिया है या फिर जहां पर आपका जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है कि इनके माध्यम से जो नाइल जो रिवर है उनके माध्यम से इरिगेशन जो फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सो ये जो कुछ जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर भी, जो इजिप्ट वाला जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ है। सो द डेजर्ट डज ऑल्सो सपोर्ट सेटल्ड लाइफ। मीन्स अब जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, जहां पर फार्मिंग किया जा रहा है, वहां पर जो लोग हैं वो सेटल्ड लाइफ, मीन्स एक जगह रहना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। भाई एग्रीकल्चर करना है तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आज यहाँ पर खेती बाड़ी किया, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट सीजन हम इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहां पर खेती बाड़ी करेंगे। झूम जो एग्रीकल्चर है वो भी कुछ सालों तक ही किया जाता है, एक जगह पर रहकर। सो द सहारंस ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट बार्ली बीन्स एंड कॉटन। लगभग वो जो है डिफरेंट जो, चाहे वो कैश क्रॉप्स हो चाहे वो फूड क्रॉप्स हो, वो सभी टाइप के जो सहारा में रहने वाले जो लोग हैं, जो रिवर्स के पास में, डेजर्ट के पास, आपके जो ओएसिस के पास हैं, सो वो जो है डिफरेंट टाइप के जो राइस व्हीट बार्ली बीन्स कॉटन है वो ग्रो करते हैं। इजिप्टियन कॉटन एंड डेट्स फ्रॉम द डेजर्ट हैव ग्रेट एक्सपोर्ट वैल्यूज। मीन्स जो सहारा यहाँ पर इजिप्ट जो एरियाज है वहां पर जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स किए जाने वाले जो डेट्स है और जो कॉटन है उसका वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा डिमांड है। द पीपल प्रोड्यूस गुड्स सच एज एज अ लेदर को लेदर से बने हुए जो आपके जो कोट्स हैं, बेल्ट है, कैप्स है, कारपेट्स है, मैट्स है, वाटर बॉटल, स्लीपर्स, बैग्स, पर्सेस एंड ब्लैंकेट। मीन्स जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं ये, उनका जो डिमांड्स है पूरे वर्ल्ड वाइड है और वो जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। They also make acoustic artifacts and jewelry in
सिल्वर मीन्स ये जो है वहां पर सिल्वर रिसोर्स मिनरल जो सोर्सेज है वो मिलता है, तो इसके कारण से वो जो ज्वेलरी भी बनाते हैं ये लोग। अब ये रीजन क्या है, दिस रीजन इज रिच इन मिनरल वेल्थ, मीन्स यहाँ पर आपको मिनरल्स है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अबेंडेंट जो आपका क्या है, यहाँ पर मिनरल्स में डिपॉजिट जो पेट्रोलियम जो डिपॉजिट है, आपके आयरन और डिपॉजिट है, आपके जो मैग्नीज के जो डिपॉजिट है, यूरेनियम और जो फॉस्फोरस है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन्हीं के कारण से यहाँ पर जो रैपिड जो डेवलपमेंट है, मीन्स बहुत जो फास्ट बहुत तेज गति से जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज लेड टू अर्बनाइजेशन एंड द नोमैडिक पीपल्स आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वहां पर रिसोर्सेस मिल रहे हैं, वहां पर मिनरल्स हैं, तो क्या होगा, डेवलप हो रहा है। अब जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज है तो वहां पर इंडस्ट्रियल भी डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। सो अब जो लोग है वहां पर नोमेडिक जो लाइफ है, एक जगह से दूसरी जगह जो भटक रहे थे, घूम रहे थे, उसको छोड़कर वो एक जगह जो सेटल्ड लाइफ है, मीन्स एक जगह वो रहना बसना स्टार्ट करते, सिटी लाइफ वो जीना स्टार्ट कर देते हैं। मैनी ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन द ऑयल एंड द नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज, मीन्स वहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है, तो वहां पर जो नेचुरल गैस और जो आपके जो ऑयल फैक्ट्रीज हैं वहां पर वो काम करते हैं। आयरन पाया जाता है तो आयरन स्टील एंड आपके जो इंडस्ट्रीज है वहां पर लोग काम कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो डिफरेंट जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है और सिटी लाइफ में वो अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं। देन कुछ जो और पॉइंट्स आता है इसमें हम देखें तो आपका द अर्बन एंड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ अल्जीरिया लीबिया एंड इजिप्ट एज अ सिग्निफिकेंटली चेंज द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द रीजन विद कॉन्सेंट्रेटेड एंड ग्लास स्ट्रक्चर दैट टावर अबव द डोम्स एंड मीनार्स ऑफ द मॉस्क्यूज, मीन्स अब यहाँ पर जो क्या हुआ कि भी डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है। सो ये जो एरिया है वो पहले पिछड़ा हुआ था, डेजर्ट एरिया, अब वो जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। वहां पर बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, ग्लास से कवर्ड जो बिल्डिंग्स है अल्जीरिया लीबिया में और इजिप्ट वाले एरियाज में, मॉस्क्यूज है वो वहां पर देखने को मिलता है। तो एक हिसाब से कहें तो ये जो एरिया है वो अभी के दौर में एक जो डेवलप्ड एरिया के रूप में हमें नजर आता है। नाउ देयर आर लॉन्ग मोटरेबल रोड्स दैट कट अक्रॉस द डेजर्ट, मीन्स यहाँ पर जो रोड्स भी बने हुए, पक्के जो रोड्स बने हुए जहां पर मोटर गाड़ियां चलती है जो डेजर्ट के बीच से होकर गुजरता है, मीन्स एक दूसरे को जो प्लेस है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो रोडवेज है वो भी बन चुका है। द अर्बन सेंटर्स हैव बैंक्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भाई सिटीज है तो सिटीज में बैंक्स, एजुकेशन और जो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है, सिनेमाज है, अदर जो इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी होंगे, तो वहां के जो सिटीज है वो एक जो ग्लिम्पर जो सिटीज है वो हमें देखने को मिलता है। सो ये तो वो बेटा कंप्लीट जो आपका किससे रिलेटेड, सहारा से रिलेटेड। यहाँ पर एक्सप्लोर सम मोर में बताया है डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, मीन्स डिजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस विच टर्न प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड इनटू नॉन प्रोडक्टिव डिजर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन एंड पुअर लैंड मैनेजमेंट, मीन्स डिजर्टिफिकेशन मीन्स जो कई जो एरिया है वर्ल्ड की वो अब डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स जो पहले जो फर्टाइल एरिया था जहां पर एग्रीकल्चर होता था, जहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज होते थे, सिटीज टाउन आपके जो विलेज थे वो अब डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जो प्रोडक्टिव जो फर्टाइल लैंड है वो जो नॉन प्रोडक्टिव जो डिजर्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन बताया गया यहाँ पर कि जो ज्यादातर जो उस जमीन का यूज किया जा रहा है या फिर लैंड मिसमैनेजमेंट जो पुअर मैनेजमेंट लैंड का किया जा रहा है उसके कारण से फर्टाइल लैंड है वो डिजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पर जो डिजर्टिफिकेशन है वो कौन से एरियाज पर होता है, तो जो सेमी एरिया सेमी एरिड एरियाज में जो जहां पर उतना ज्यादा हाई रेनफॉल्स नहीं होता है और वहां पर कभी कभी जो रेनफॉल्स है वो कंटिन्यू भी नहीं होता है। सो बॉर्डरिंग जो डिजर्ट वाले जो एरियाज है वहां पर जो एनुअल जो रेनफॉल जो 60 सेंटीमीटर से कम या फिर उन्हीं के आसपास होते हैं, तो ऐसे एरिया पर जो डिजर्टिफिकेशन होना मीन डिजर्ट वे में कन्वर्ट होने का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर इन द सहल सेमी एरिड एरिया साउथ ऑफ द सहारा डिजर्ट जो इसके जो एग्जाम्पल है डिजर्टिफिकेशन का, यहाँ पर जो डिजर्ट है वो 100 किलोमीटर तक साउथवर्ड बिटवीन 1950 से लेकर आपके 1975 के बीच लगभग जो 100 किलोमीटर तक ये जो डिजर्ट है वो फैल चुका था, डिजर्टिफिकेशन
हो गया था। सो ये हो गया आपका बेटा सहारा जो हॉट डिजर्ट है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे, हमने उसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो लद्दाख वाला जो रीजन है। सो हम लद्दाख की बात करें, सो लद्दाख इंडिया कोल्ड डिजर्ट, ये इंडिया का क्या है, कोल्ड डिजर्ट है, मीन्स बहुत ठंडा जो रेगिस्तान हम जिसे कहें। सो इसका जो लोकेशन हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो आपके जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। ये आपका लद्दाख वाला जो एरिया और वो जो है हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर लोकेटेड है, और काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज है उसके पास में आपको देखने को मिलेगा। लोकेशंस हम देखें तो लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विच लाइज इन द हाईएस्ट रीचेस ऑफ द हिमालयस। मीन्स जो लद्दाख वाला जो एरिया है, जो आपको जो इमेज में जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हायर जो अल्टीट्यूड्स वाले जो एरियाज है, हिमालय माउंटेन्स पता है कि अधिकांश जो एरियाज है वो माउंटेन जो रेंज है वो हायर अल्टीट्यूड्स है। सो ये जो हिमालयन के जो हायर जो रीचेस है वहां पर ये जो लद्दाख जो डिजर्ट है वो पाया जाता है। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट फॉल्स बिटवीन द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर रेंज इन द साउथ। जो काराकोरम रेंज के नॉर्थ में और जो जास्कर रेंज के जो साउथ में ये पाया जाता है। जो हमारा जो लोकेटेड है कौन सा लद्दाख, द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन दिस रीजन फॉर्मिंग पिक्चरस गार्ज एंड डीप कट्स वैलीज। द रीजन हाउसेस ग्लेशियर्स दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर मेनी पेरिनियल रिवर्स। वन ऑफ द वेल नाउन ग्लेशियर हियर इज द गंगोत्री ग्लेशियर। मीन्स यहाँ पर जो देखोगे तो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है स्वयं जो स्वयं जो रिवर्स है वो यहाँ से होकर बहती हुई और एक जो घाटी बनाती है, गॉर्ज बनाती है ना। देन यहाँ पर आपको जो पेरेनियल जो रिवर्स है, मीन्स हमेशा फ्लो होने वाली रिवर्स है, क्योंकि जो ग्लेशियर है, जो गंगोत्री ग्लेशियर या फिर जो अदर जो ग्लेशियर है बर्फ है, उनसे जो वाटर जो सप्लाई है वो आपके जो हमेशा जो है होते रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो रिवर्स में वाटर जो है हमेशा अवेलेबल रहता है। द एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ जास्कर रेंज इज 6000 मीटर। मीन जो जास्कर जो रेंज है उसका जो हाइट है वो कितना है, 6000 मीटर है। देयर आर अ नंबर ऑफ पासेस इन दिस हाई माउंटेनियस ट्रैक्स। मीन्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऊंचाई के साथ जाते हैं तो इसका जो हाइट है वो ज्यादा है, बट यहाँ पर जो डिफरेंट जो गेप्स है, जो पास है, जैसे ये एक माउंटेन रेंज हुआ, फिर यहाँ पर एक सेकंड माउंटेन रेंज, इधर से आप देखेंगे तो ये आपका माउंटेन रेंज, तो इसके बीच ये जो गेप आपको नजर आ रहा है इसे ही कहा जाता है पासेस, मीन्स पास कहा जाता है। मीन्स दो यहां से ये और यहां से डिफरेंट जो माउंटेन है तो इसके बीच में एक जो गेप, जो पास हम किसी को जाने के लिए जो रास्ता देते हैं ना, पास पास बाइक में चल रहे पास कर दे उसको पासिंग दे दीजिए, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो डिफरेंट जो पासेज है वो आपको ये जो आपका जो लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पर देखने को मिलेगा। इसी पर जो जो जिला इज एन इंपॉर्टेंट पास एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 4000 मीटर्स। मीन जो एक जो जो जिला जो पास है, या फिर अभी आप जो देख रहे हो कि जो हमारे जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट जो टनल्स बनाए जा रहे हैं, मीन्स ये जो हमारा जो माउंटेन है इसके बीच से होल करते हुए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि ये जो पासेस से पहले होकर गुजरते थे बट यहाँ पर जो है विंटर सीजन में जो आइस से कवर हो जाता तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। सो अब हमारे जो माउंटेन्स है, हमारे जो हिल्स है उसको होल करते हुए उसके बीच से जो टनल्स है वो बनाया जा रहा है। सो ये जो हम बात कर रहे थे आपका जो पासेस का, सो इन फैक्ट लद्दाख मीन्स लैंड ऑफ द पासेस। मीन्स जो लद्दाख का मतलब ही होता है क्या होता है, लैंड ऑफ पासेस। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज अ कापाचंद। मीन्स जो उसको कापाचंद के रूप में भी हम जानते हैं, या फिर उसको लैंड ऑफ पासेस के रूप में भी लद्दाख को जाना जाता है। कापाचंद का मतलब होता है लैंड ऑफ स्नो। मीन्स हमें पता है कि ये जो एरिया है पूरा आइस से कवर्ड होता है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है स्नोफॉल्स होते हैं, रेनफॉल्स तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो आपका आइस से कवर होते हैं, और अधिकांश जो एरिया है इसका पूरा का आइस से कवर होते हैं। कुछ ऐसे जो पार्ट्स है वो विंटर सीजन में पूरे आइस कवर होते हैं, बट जो समर सीजन आते हैं तो वो मेल्ट होकर वो कुछ जो लैंड एरियाज है वो नजर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ का जो हम क्लाइमेट्स की बात करें बेटा, क्लाइमेट हमें कैसा नजर आता है, क्लाइमेट से रिलेटेड हम इमेज देखें यहाँ पर, तो जनरली ये आपका जो लद्दाख विंटर वाला जो एरियाज है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो समर सीजन है जब आपका जो आइस है ये विंटर है, और ये आपका जो समर है जब आइस जो है मेल्ट हो गया तो कुछ एरियाज हैं वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग है रोड्स है वो वर्क करने
लगते हैं। देन हम जो क्लाइमेट देखें, सो द रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। द एटमोस्फियर बिगिन वेरी थिन एट दिस एल्टीट्यूड, द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। इस एरिया पर देखेंगे तो क्या है कि यहां पर जो बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड्स है, ऊंचाई ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थीन हो जाता है। मीन जो डिफरेंट जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन जो गैसेस है वो यहां पर कम पाए जाते हैं। हमें पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ते जाता है, जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होने लगता है, साथ ही साथ जो एयर की जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। सो इवन इन समर द डे आर क्वाइट कोल्ड, समर में भी जो है यहाँ पर जो है हमेशा ठंडा रहता है, विथ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 6 से 10 के बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है। मतलब हमेशा आपको ठिठरने की जरूरत रहती है। आपने देखा होगा डिफरेंट जो सोशल मीडिया में, मूवीज में या फिर सीरियल्स में आपको देखने को मिला होगा कि वहां पर, या फिर हमारे आर्मीज के जो है वीडियोज आते हैं, इमेज आते हैं, देखे होंगे कि कैसे जो है वो हमारे देश की रक्षा के लिए वो इन हाई जो लैंड से एरिया है वहां पर जाकर अपने सेवा करते रहते हैं, हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, हम बात करें जैसे ड्यूरिंग नाइट के टाइम पीरियड्स में बताए, नाइट समय देखें तो इट ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। डे में तो 6 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, बट नाइट में वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 0 डिग्री में आइस वाटर जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और -30 और 0 से और पीछे चले जाओगे, मतलब टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। विंटर आर सेवरली कोल्ड, द डे टेम्परेचर मेजर अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जो टेम्परेचर है विंटर में यहाँ पर डे टाइम भी जो टेम्परेचर है वो जब सनलाइट्स पड़ जाता है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट हमेशा जो है आइस आपको यहाँ पर विंटर सीजन में देखने को मिलेगा। और नाइट का जो टेम्परेचर है विंटर के समय तो और बहुत ज्यादा लो हो जाता है बेटा, और -45 डिग्री तक चला जाता है। और ऐसे जो एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे जो आर्मी के जो मेन है, आर्मी के जो लोग हैं वहां लद्दाख रीजन में जो रहने वाले जो कॉमन पीपल्स हैं, उनका लाइफ स्टाइल सोचिए कैसा होगा। सो इसको हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मल जो है क्या पड़ता है, जब ठंड का सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो कई लोग तो है बाथिंग करना ही छोड़ देते हैं, नहाना ही छोड़ देते हैं, बट वहां पर जो सोचिए कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप जो स्कूल से क्लासेस लगनी है तब तो आप बिल्कुल भी बिना बाथिंग के स्कूल चले जाते हो। सो वहां पर मेरे जैसे टीचर मिल गए तो आपको चिढ़ाएंगे बिल्कुल। सो द एनुअल रेनफॉल इन दिस रीजन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर एज लद्दाख फॉल्स इन द रेन शैडो रीजन ऑफ जास्कर रेंज। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो एनुअल जो रेनफॉल्स है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है, वो रेन शैडो एरियाज की बात किया गया है। रेन शैडो मीन्स क्या होता है कि भाई एक जो माउंटेन हिल्स आपका जो ट्रैक्स है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो जास्कर रेंज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इधर से जो मानसूनी हवाएं आती है वो यहीं पर रुक जाती है, इधर इससे आगे क्रॉस नहीं कर पाते, इस कारण से यहाँ पर रेनफॉल्स नहीं होता है और इसे रेन शैडो एरियाज के रूप में जानते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरे द्वारा जो आपने आपके क्लास में या फिर मेरी वीडियोज में आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड आपके जो चैप्टर 6-7 में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। सो अब यहाँ पर जास्कर रेंज के कारण से यहाँ पर जो प्रिसिपिटेशन है अधिकांश जो स्नोफॉल्स के रूप में होते हैं। द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड्स आर पेरिनियल लेक्स एंड रिवर विच आर फीड बाय ग्लेशियर। मीन्स जो वाटर जो है यहाँ पर अवेलेबल कब होता है, उसके सोर्सेज क्या है, तो भाई जो आइस मेल्ट होते हैं, जो बर्फ पिघलता है, उसी का जो यूज है, जब लेक में वो जाकर स्टोर हो जाता है, रिवर्स में होता है, तब वो लोग जो है वहां के जो पीपल्स हैं उनका यूज करते हैं। या फिर आपने कभी कभी वो जो हमारे जो आर्मीज के जो मेंबर्स हैं और लोग हैं उनका वीडियोस देखा होगा, जहां पर वो जो है अपने जो कप में लेकर जो है उसको गर्म करके वहां पर आइस को लेते हैं और उसको गर्म करके उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं और उसी को वो पीते हैं। सो इस तरीके से भी वहां पर जो रहना है तो आपको सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स है वो यूज करने पड़ेंगे। एक्सप्लोर सम मोर में कुछ और पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। इन लद्दाख यू कुड सफर फ्रॉम बॉथ सन स्ट्रोक्स एंड फ्रॉस्ट बाइट्स सिमिलरली इफ
यू चूज टू सीट बेयर हेडेड इन द हॉट सन एंड स्ट्रेच योर फीट इन द शैडो। अब यहां पर एक्सप्लोर सम मोर में एक चीज बताया गया कि आपको तो दोनों तरीके से, ये जो मेरा एरिया ये आपको जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो सनलाइट्स आ रहा है तो यहां पर मेरा क्या होगा, हाथ जो है जलने लगेगा, सनलाइट जो इतना तेज पड़ता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स वाला है, डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगा तो इधर का मेरा जो है हाथ जलने लगेगा, इधर क्या होगा सनलाइट नहीं पड़ रहा है तो खुला एरिया है तो यहां पर जो आईज है उसके कारण से मेरा हाथ जो है वो सिकुड़ने लगेगा, यहां पर जो इधर जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो जमने लगेगा। तो सेम टाइम आपको दोनों चीज जो है फेस करना पड़ेगा। अगर मैंने है वहां पर क्या कर दिया, ये अपना शर्ट निकाल दिया और मैं अपना बॉडी दिखाने लगा है ना, तो क्या होगा जिधर सनलाइट पड़ रहा है वहां जो सनलाइट के कारण से मेरा ये पूरा बॉडी जलने लगेगा, इतना ज्यादा तेज जो है सनलाइट वहां पर आता है और मेरा पीछे का जो बैक है वो क्या हो जाएगा, वो जो है आज जो ठंडा, इतना ठंडा होने के कारण से वो जो है पीछे का जो जितने भी जो ब्लड्स हैं वो जम जाएंगे। सो आपको अपना प्रोटेक्शन वहां पर पूरी तरीके से कवर करके अपने आप को रखना पड़ेगा ताकि ना आप जले ना जमे। सो अब यहां पर नेक्स्ट हम प्लांट लाइफ की बात करें, प्लांट्स लाइफ में हम देखें तो डिफरेंट कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये कुछ जो आपको जो प्लांट जो जिसके जो इमेज दिखाई दे रहे हैं वो जनरली आपके जो नीचे लेवल वाले 4000 नीचे हाइट से जो नीचे वाले जो एरियाज है, यहाँ पर आपके जो समर जो टाइम है जहां पर आपका जो मेल्ट होता है क्या स्नो, तब इस टाइप के जो आपको बेरीज है लडाख वाले जो रीजन है वहां पर दिखाई, कैट नीप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके जो हिमालयन जो साइप्रस है वो आपको नजर आ रहे हैं, तो इस टाइप के जो प्लांट्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर वेजिटेबल कवर इज स्केंटी इन दिस रीजन, नेचुरल वेजिटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू पैचेस ऑफ पेस्टर्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स श्रब्स विलोस पॉपुलर्स एंड इंटरमीडिएट जूनिपर एंड फिर फॉर जो ट्रीज है। So, इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है वो यहाँ पर जो लोअर जो एल्टीट्यूड्स है, जो कम हाइट वाले जो एल्टीट्यूड्स है, कम ऊंचाई वाले जो एरियाज है वहां पर पाए जाते हैं। एवं जो आपके जो 4000 मीटर से ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर मॉसेज और जो लिंचेज है, मीन छोटी छोटी जो काइया है, काई है वही हमें देखने को मिलता है। बिलो जो 3000 मीटर्स है एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स कल्टिवेशन इज कॉमन, मीन्स यहाँ पर जो बिलो जो आपके 3000 मीटर से जो हाइट से जो कम नीचे वाले जो एरियाज है वहां पर एग्रीकल्चर भी किया जाता है, जनरली वहां पर जो फ्रूट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। सो बेटा ये हुआ आपका जो प्लांट साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एनिमल लाइफ, एनिमल में आपको दिखाई दे रहा है वाइल्ड शीप, कुछ और जो इमेज है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपको जो डिफरेंट जो स्नो लिपर्स है, रेड स्टार्स है, टिब्बेटन स्नो कॉक्स है वो आपको दिखाई दे रहा है, और आपको जो कैंग है वो आपको दिखाई दे, तो इस तरीके से डिफरेंट जो एनिमल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइफ में देखें तो टिब्बेटन स्नो कॉक्स, रेड स्टार्स, रेवंस, रॉबिन्स आपके जो है एंड द हुपो आर सम कॉमन बर्ड्स फाउंड हियर, ये जो है बर्ड्स पाए जाने वाले हैं। मेनी ऑफ दे माइग्रेट ड्यूरिंग द बिटर ड्राई विंटर सीजन टू वार्मर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स बहुत सारे जो बर्ड्स हैं जब विंटर सीजन आता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो इस एरिया को छोड़कर जो वार्म जो गर्म वाले एरियाज है वहां पर उड़कर चले जाते हैं। माउंटेन गॉट है, वाइल्ड शीप है, याक है, चीरू है एंड द स्नो लिपर्स आर सम एनिमल स्पीसीज फाउंड इन दिस रीजन। द चिंगम इज एन इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है जहां पर डिफरेंट एनिमल्स को प्रोटेक्टेड करके रखा गया है। सो ये आपके जो लद्दाख से रिलेटेड आपके एनिमल लाइफ, यहाँ पर भी आपको जो चीरू है, वो आपको जो टिब्बेटन एंटीलोप्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर आपको याक का जो इमेज दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ के जो पीपल्स, यहाँ के जो लोग हैं वो, ये आपको जो पीपल्स दिखाई दे रहे हैं, किसी के तो दादी अम्मा है, इधर आपके किसी के दादाजी बैठे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए किसके दादाजी और दादी जी हैं, है ना। चलिए पीपल से हम बात करें, सो लद्दाख इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, जो आपका जो लद्दाख वो एरिया है वहां पर क्या है जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही
लो होता है, दूर दूर में जो लोग हैं वो रहते हैं, ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम है तो पॉपुलेशन लो हो जाता है। देयर आर फेवर देन 50 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स एक जो आपका जो सेंसस रिकॉर्ड में क्या कह देते पर स्क्वायर किलोमीटर देखा जाए तो वहां पर रेयर 50 जो पीपल्स हैं वो कम से कम, बहुत ही कम पीपल्स हैं वो पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, कैटल रियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म एंड ट्रेडिंग आर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, मीन्स यहाँ पर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी भी करते हैं, फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, सेरिकल्चर मछलियों का भी या फिर वो ये प्रोडक्शन करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, रिवर्स में जो मछली है वो भी वो लोग ले लेते हैं, पशुपालन करते हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं, टूरिज्म वहाँ पर मेन जो एक्टिविटीज है, साथ ही साथ व्यापार भी उनके पास शॉप्स वगैरह भी ओपन किए हुए। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो ज्यादातर जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है बेटा वो जो है आपका समर सीजन में होता है। विंटर तो ऐसे भी वहां पर कोल्ड होता है, रोड्स ब्लॉक्स होते हैं तो आइस से कवर्ड होता है एरिया, तो जो आपके जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है विंटर सीजन में। जनरली क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर, जैसे मैंने बताया समर सीजन में मई और सेप्टेम्बर के बीच में क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीट, वीट के अलावा यहाँ पर जो और जो अदर जो मेन क्रॉप्स है वो ओट्स है, बैली है, मैज है, पोटैटो है, टर्निप है, बीन्स है और पीज है, ये सभी जो है वहां पर प्रोडक्शन है वो किए जाते हैं। द रीजन इज हाईली सुटेबल फॉर फ्रूट कल्टिवेशन, यहाँ का जो रीजन है वो फ्रूट कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स है यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट्स है, गोल्डन एप्पल्स है, मेलन्स है, मेलबरी है, ग्रेप्स है, ये सभी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं और इंडिया में साथ ही साथ वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां पर वो एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर वो बेचते हैं। ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड डोमेस्टिक लाइव स्टॉक्स है, मतलब वहां पर देखा जाए तो लगभग जितने भी वहां पर जो लोग रहते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो जीवन है, एंड द हार्डेस्ट टेक देयर कैटल फ्रॉम ग्रेजिंग ऑन रैश पेस्टर अलोंग द माउंटेन स्लोप, मीन्स वो क्या करते हैं कि जो वो जो डोमेस्टिकेटेड करते हैं किसको, वो पशुपालन करते हैं और जो माउंटेन के जो स्लोप्स है, मीन्स जो माउंटेन है ये जो आपका, तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है जहां पर आपके जो डिफरेंट जो टेम्परेचर भी लो होता है, साथ ही साथ यहाँ आपका जो उतना से टेम लो नहीं होता है और यहाँ पर जो ग्रास वगैरह होते हैं तो वहां पर अपने जो है पशुओं को वो चराने के लिए ले जाते हैं। एनिमल्स लाइक द याक, आपके माउंटेन गॉड्स एंड शीप प्रोवाइड मिल्क, मीट, फर एंड हाइड, मीन्स जो याक है उनके गॉट है, शीप्स है तो उनसे क्या मिलता है, उनसे उनके बाल है, उनके जो चमड़िया है, उनसे दूध है, उनसे जो मीट है, इसके लिए इन पशुओं को वो डोमेस्टिकेटेड करते हैं, उनको पालते हैं। आपके जो पश्मीना इज अ सॉफ्ट लाइट वूल मेड फ्रॉम द अंडर कोट, मीन्स जो क्या होता है कि जो सॉफ्ट हेयर बिलो द कोर्स आउटर हेयर्स, मीन्स जो आप जो कश्मीरी जो गॉड्स है, जो कश्मीरी जो गॉड्स है उनसे जो मिलने वाले जो एक जो नॉर्मल जो हेयर है उसके नीचे एक और जो सॉफ्ट जो हेयर जो पाया जाता है जिसे अंडरकोट या फिर जिसे पश्मीना कहा जाता है, सो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्का होता है और इसका जो डिमांड्स है पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा है, मीन्स बहुत ही ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो वजन है लाइट वेट होता है, साथ ही साथ ये जो है ज्यादा जो है गर्मी प्रोवाइड करता है। यहाँ के जो पीपल्स है उनके लिए जो पश्मीना जो है वो बहुत ही इनकम के ज्यादा सोर्सेज हैं। द पीपल हियर लेड अ हार्ड लाइफ, वो एक कठोर जीवन जीते क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है एक्सट्रीमली कोल्ड है। ड्यूरिंग द हार्श विंटर दे डू नॉट वेंचर आउट मच, मीन्स वो अपने घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। मेन टेक केयर ऑफ हार्डिंग ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, में जो लोग हैं आप क्या करते हैं पशुपालन के लिए घरों में उसको पशुओं को पालते हैं, ट्रेडिंग है, व्यापार करते हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे जो डिफरेंट जो आपके जो एक्टिविटीज हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज जो घरों में जो बनाने वाले जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज वो करते रहते हैं। देन दे ऑल्सो ऑप्टेन ऑपरेट्स एज अ टूरिस्ट गाइड, साथ ही साथ जो घूमने जाने वाला हमारे जैसे लोग जो वहां पर घूमने जाते हैं उनके लिए वो जो टूरिस्ट गाइड के रूप में भी काम करते हैं। सो द वुमेन अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक वर्क आल्सो वर्क इन द फील्ड्स एंड मैनेज
सॉप जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, साथ ही साथ वो जो है डिफरेंट जो चाहे वो फार्मिंग वर्क हो, चाहे वो फ्रूट्स तोड़ने में हो, फ्रूट्स ग्रो करने में हो, या फिर जो शॉप्स चलाने में भी वर्क हेल्प है वो करती है वहां की महिलाएं। बोथ मेन एंड वुमेन्स आर इंगेज इन वेविंग कारपेट्स, मेकिंग मैट्स एंड वेविंग सिल्क शॉल्स एंड स्क्रब्स। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हो, मेन या वोमेन, दोनों जो है मिलकर काम करते हैं। वो मैट्स बनाना है, कारपेट बनाना है, शॉल बनाना है, किसी भी तरीके से जो काम है दोनों सभी लोग जो है मिलकर करते हैं। और स्पेशली ये जो काम है विंटर सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि वो घरों में रहते हैं तो घर में रहकर वो इजिली ये जो काम है उसको वो कर सकते हैं। टूरिज्म इज नॉट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन, अब जो है हम जो देखें तो जो एक बहुत ही सुंदर जो वैली है, सुंदर जो नजारा है वो लद्दाख वाले जो एरियाज है वहां पर देखने को मिलता है। सो टूरिज्म है वो एक जो मेन इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग है वहां पर देखने आते हैं तो एक तो गाइड के रूप में इनको जॉब मिल जाता है, काम मिल जाता है, साथ ही साथ ये जो शॉप ओपन करके रखे हुए तो उनसे उनको इनकम हो जाता है। सिग्निफिकेंट जो रेवेन्यूज है ये जो स्टेट्स है यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा जो प्रॉफिट है, बहुत ही ज्यादा इनकम है ये जो टूरिस्ट जो एक्टिविटीज है वो इनसे मिलता है। जैसे यहाँ पर सोमा गोम्पा जो है लेह में दिखाई दे रहा है, बुद्धिस्ट जो डिफरेंट जो मोनेस्ट्रीज है वो आपको देखने को मिलेगी, इसका जो इमेज है बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखें तो मेनी पीपल हियर रिसेम्बल द नेटिव पीपल्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। मीन्स यहाँ के जो अधिकांश जो लोग है वो कहाँ से है, तो ये तो या तो फिर वो जो तिब्बत वाला जो एरिया वहां के जो पीपल उसके जो नेटिव्स हैं, या फिर आपके जो सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं उनके जो नेटिव्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। मतलब यहाँ पर जो अधिकांश जो पॉपुलेशन मतलब 90% जो या फिर उससे ज्यादा भी जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बाकी जो 10% या फिर उससे भी कम जो बचे जो लोग हैं वो अदर जो डिफरेंट जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ मॉस्क्यूज एंड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विद देयर कन्वेंशनल गोम्पास। मीन्स यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं आपके जो क्या है मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है, तो वो आपके जो दोनों के जो होली जो प्लेसेस है वही आपको जो देखने को मिलेगा। तो मॉस्क्यूज या फिर जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। सम ऑफ द फेमस जो मोनेस्ट्रीज है जो है आपका जो हेमिस है, थिक्से है और लोमियोर है और से है, ये जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज है वो हमें देखने को मिलता है। मीन्स जो बुद्धिस्ट का जो उनके जो होली जो प्लेसेस है जहाँ पर वो जाकर वो क्या है बुद्धिस्ट को जो टीचिंग है उसको फॉलो करते हैं, उसको ध्यान लगाते हैं। देन लेह द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ लद्दाख इंजॉयड एक्सेलेंट कनेक्टिविटी विद द स्टेट कैपिटल श्रीनगर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रोडवेज एंड रेलवेज। अब बेटा ये जो लद्दाख वाला जो एरिया है वो उसका जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है ना। जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला जो एरिया है दोनों को डिवाइड कर दिया गया, पहले जो एक स्टेट में शामिल थे अब ये जो दोनों है आपका एक यूनियन जो टेरिटरीज है वो बन गया है। लद्दाख वाला एरिया अलग हो गया है और आपका जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया अलग हुआ गया है। सो लेह से इनको जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर तरीके से मिल पाता है और जो कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया श्रीनगर वहां से वो जो है रोडवेज और एयरवेज के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेशनल हाईवे ए फर्स्ट आपका जो फर्स्ट ए है वो लिंक करता है लेह से लेकर कन्याकुमारी जो आपका जो जिला है वहां से होते हुए वो कनेक्ट करता है। अभी तो आपको जो अटल टनल साथ ही साथ आपको जो जिला जो टनल है वो भी आपको देखने को मिलेगा जिसके थ्रू ये जो डिस्टेंस है जो दूरी है वो कवर हो रहा है और जो आपके जो विंटर सीजन में भी इस एरिया से एक जगह से दूसरी जगह इंडिया के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहां से कनेक्टिविटी किया जा सकता है, आया जा सकता है। रोहतांग ला, बारा लाचा ला, तैंगलांग ला, लुंगा लाचा ला, ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो क्या है पासेस है ना, ला 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 किधर ला इधर ला है ना, पासेस है, ये क्या है पासेस है। मीन्स यहाँ से आप जो है एक जो माउंटेन जो रेंज है ये जो माउंटेन रेंज डिफरेंट जो माउंटेन रेंज तो इसके बीच में ये जो पासेस है बेटा उसी के थ्रू आप एक जो ये जो माउंटेन रेंज है उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये जो पासेस है यहाँ पर जो डिफरेंट जो रोड्स बने होते हैं उसके थ्रू ही आप जो है क्या कर सकते हैं लो लेइंग एरियाज, ऐसा नहीं है कि पूरा फ्लैट एरिया है ना, यहाँ पर कुछ जो गेप्स है वो देखने को मिलता है, इन्हीं के थ्रू जो रोड्स हैं वो बिल्ड किए गए हैं।
ऑल दिस पासेज बिकम ब्लॉक ड्यू टू द स्नो ड्यूरिंग विंटर, मीन्स ये सभी जो पासेज है जो विंटर जो स्नो फॉल्स होते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है पूरा स्नो से आइस से कवर हो जाता है। ओनली इन समर इज द स्नो क्लियर एंड द रोड्स रीओपन, जब हैवी जो स्नो फॉल्स होता है तो ये जो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, जब समर सीजन में उनको हटाया जाता है वो मेल्ट होते हैं तभी फिर ये जो रोड है वो ओपन हो पाता है। और यहाँ पर आपको जो ये जो देखने को मिलेगा, जो मैं कुछ जो टनल्स आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इसके थ्रू अब जो है आपके जो विंटर सीजन में भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाया जा सकता है, क्योंकि ये जो पासेज है जो अब जब कवर हो जाएंगे तो जो टनल जो बनाया गया है वहां से हम इस प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। So, ये बेटा आपका जो चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसका जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है, आई बटन में आपको जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर देखिए और जो एक्सरसाइज है उसको आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ बेटा अगर ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।